पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के हम दालकोला में अभी वार्ड नंबर दो में मौजूद हैं यहाँ से जो टीएमसी के कैंडिडेट इस बार म्यूनसिपलिटी चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हम उनसे आइए कुछ ख़ास बातचीत करते हैं कि इस बार उनका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है और किन किन मुद्दों पर वो अगर चुनाव जीत गए तो काम करेंगे सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दें कि आपका नाम क्या है मेरा नाम है श्यामोली दास शोधीगढ़ी तो आप इस बार जो चुनाव जो लड़ रहे हैं तो ये आपका पहली बार है या फिर इससे पहले आप चुनाव लड़ चुकी हैं नहीं ये मेरी पहली बारी है पहली बारी मैं मतलब हाँ फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम तो इस बार जो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के तरफ से तो चुनाव लड़ने का मेन मकसद मेन मोटिव क्या है आपका मेन मकसद है मैं दो नंबर वार्ड से मैं खड़ा हो रही हूँ अगर मैं जीत जाऊँ तो मैं दो नंबर वार्ड की लिए काम करूँगी तो अभी फ़िलहाल जिस तरह से आप अभी टीएमसी का कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं तो अभी आपको वार्ड नंबर दो में कौन कौन सी कमियां लग रही हैं कि ये स्कॉर्ट है इसकी यहाँ पे इस चीज़ का काम होना चाहिए जिस तरह पानी का हो गया रोड का हो गया तो कौन कौन सी आपको ऐसी चीज़ें लग रही है कि वो काम हो जाना चाहिए था अब तक वहाँ में रास्ता में तो प्रॉब्लम है जो रोड है वो हो जाएंगे अगर हो जाएंगे वो कर कर सकूँगी और पानी का समस्या है वो भी मिल जाने की समस्या हा, हाँ 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 तो मतलब आपको मेन जो दो बड़ा चीज़ लग रहा है आपको एक रोड का और पानी का लग रहा है कि इसकी कमी है पानी के वजह से लोग परेशान होते हैं बहुत तो ये परेशानी को आप दूर करना चाहेंगे जी, जी हाँ दूर करना चाहेंगे जिस तरह से एक तरफ से देखा जाए कि कोई भी चुनाव हो तो हर चुनाव में कॉम्पिटिशन टफ होता जा रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो इलेक्शन होगा सत्ताईस को तो माहौल क्या है आपका माहौल मुझे विश्वास है कि मैं जीतूँगी टीएमसी, सी तो ममता बनर्जी जिंदाबाद मुझे मतलब आशा है कि मैं जीतूँगी तो मैं हाँ उन्नयन के लिए काम करूँगी ममता बनर्जी के साथ ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करने के लिए मतलब मैं मुझे जितना होगा मैं सब करूँगी सब सारी चीज़ें करेंगे जी जी तो आप अपने जनता से कुछ कहना चाहेंगे कुछ अपील करना चाहेंगे जो पब्लिक आपको वोट देंगे जिसके थ्रू आप जीतेंगे तो आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे मतलब उन्हें बोलना चाहूँगी कि मैं आप लोग मेरे साथ रहिए दो नंबर वार्ड से कहूँगी जो सब मेरे साथ रहिए मैं मतलब বাঙালি বলতে হ্যাঁ যদি আমি জয়ী হতে পারি আমাকে ভোট দেবেন উন্নয়নের স্বার্থে মমতা ব্যানার্জির হাত মজবুত করতে আমাকে ভোট দিয়ে জয়ী করবেন আমি যদি জয়ী হতে পারি তাহলে আমি দুই নম্বর ওয়ার্ডে যা যা সমস্যা আছে ড্রেনের সমস্যা রাস্তাঘাটের সমস্যা আর বাড়ির যত সমস্যা আছে আমি সমাধান করার চেষ্টা করব तो चलिए दोस्तों जिस तरह से अभी हम यहाँ पे वार्ड नंबर दो के जो कैंडिडेट थे अभी उनके साथ मौजूद थे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त जय हिंद जय भारत